ये देखो मेरे कपड़े का क्या हाल कर दिया, मेरे कपड़ों का क्या हाल हो गया। ऐसी बात नहीं है, मेरे अबू जान भी बहुत बीमार हुए थे। मेरे अपने अबू जान, ये भी अबू जान है, वो भी अबू जान है, मेरे पास तो दो अबू जान है। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा जबरदस्त बना है, मुंह में भी पानी आ रहा है और बाकी जो है ना अब मैं बना है। इनका क्या करना है फिर? वो अंडे में डालने हैं। अंडे बनाने हैं जी। अच्छा फिर यान आज क्या है? संडा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। सब बहन भाइयों की दुआ है। तो मेरा सुबह का भी लोग जो है शुरू हो चुका है इस नेक दुआ के साथ के जो मेरे बहन भाई जो मेरी माएँ बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए, इनकी तमाम परेशानी अल्लाह पाक दूर करें। चलते हैं आगे, जो भी रूटीन है बहन भाई से करते हैं शेयर, है ना, बिल्कुल साथ। तो बाकी जो है ना, बाकी तो सब ठीक है अल्लाह पाक का शुक्र है। और बाकी अबू जान की तबीयत जो है ना कोई ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक नहीं हो रहा है। आज जो है ना, आज इंशाल्लाह बहन भाइयों को मिलवाती हूँ अबू जान से, जो भी रूटीन है, जो भी उसका मतलब के अभी लेकर उसको जाना है हॉस्पिटल, लेकर जाएंगे उसको, उसके छाती के एक्सरे वगैरह करवाएंगे, उसके बाद उसकी दवाई लेंगे, शायद आराम आ जाए। इस तरह तो बिल्कुल तबीयत जो है ना मज़ीद बिगड़ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, बस वही। बाकी सब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और इधर देखें, वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक। शहजादी ठीक है? हाँ जी। माशाल्लाह जी, शहजादी जो है ना चाय पापा खा रही है। और इधर है आतिफ, कैसे हो बेटा? ठीक। तबीयत से ठीक है? हाँ जी, माशाल्लाह से। और इधर देखो मेरा परी बेटा कैसा है? ठीक हो? माशाल्लाह, क्या खा रहे हो? पापा। माशाल्लाह माशाल्लाह, पापा कैसा बना है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पाकिस्तान? पाकिस्तान बहुत ही मजेदार। अच्छा बोलती है। आयान कैसे हो बेटा? ये कैसे खा रहे हो आप? ऐसे खाते हैं क्या? प्याली उठा लो ना, उठा लो। हाँ, और ये देखिए आते आयान भी खा रहा है। और अगर इस तरह ये बनाया है तो फिर आप चमचा ले लो साथ में, परी ने उठाया हुआ है चमचा। अच्छा परी खा ले उसका थोड़ा सा है, फिर आप खा लेना ठीक है ना, इस तरह हाथ नहीं डालो। माशाल्लाह इधर देखें मेरी प्यारी सी क्यूट सी जवेरिया, कैसी हो बेटा? ठीक। तबीयत सी ठीक है? हाँ जी। आज इतवार है ना? हाँ जी। संडे है, आज आप लोग को छुट्टी है? हाँ जी। सही सही, इसलिए आप लोग आज टाइम से उठ के आ गए। जी, जब स्कूल जाना होता है तब तो देर से उठते हो। आयान का संडा है, संडा। आयान मजे का बोलते है। आयान आज क्या है? संडा। हाँ जी, संडा है। माशाल्लाह से ये सब जो है ना, ये किसकी है बेटा? ये आपकी। मेरी? वाह क्या बात है, मेरे लिए भी डाल के रखी है इसने। तो ये देखिए मेरा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। अभी ये देखिए, ये रात वाला आटा पड़ा है और ये जो है ना अभी अम्मी ने गूंद के रखा है, ये काफ़ी था लेकिन अम्मी ने और गूंद के रखा है। चले कोई नहीं, पहले ये बनाऊँगी ये वाला, और उसके बाद फिर ये बनाना पड़ेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो रख दूँगी फिर दोपहर को बना लूँगी। तो माशाल्लाह सा ये बनाना है। और अम्मी जो है ना अंडे लेने गई है अभी, वो अंडे भी बनाएंगे इंशाल्लाह, बहन भाइयों से शेयर करेंगे, रहना है बिल्कुल सा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अम्मी जान? ठीक है। तबीयत सेहत का सुना है? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक माशाल्लाह। और अबू जान का सुना है? अबू जान दे तबीयत खराब है दे सारी। अच्छा। उनका इलाज कर आज चावन है ना, वो चेकअप शेप करावन, उनकी तबीयत दे सारी खराब है, वो कहानी सारी रात बैठा रह गए। आज सारी रात नहीं सोए? नहीं सोए, बैठे रह गए, दवाई दूसरा दफा दवाई लीती अते नहीं आराम, बैठे रहे। और इधर देखें अमीना क्या हाल है? ठीक। तबीयत से ठीक है? ठीक। वो सब कह रहे थे अमीना को मेहंदी लगाई है, अमीना बीमार हो जाएगी। मैं अब दिखा रही हूँ, देखिए अमीना तो माशाल्लाह ठीक बैठी है। हाँ, बाल दिखाओ, बाल लाल हुए हैं?
हाँ जो ये सफेद थे ना, ये देखिए ये तो लाल हो गए हैं, ये देखिए। वाह क्या बात है, बाल तो वो हो गए ना सिल्की सिल्की, बहुत प्यारे बाल बन गए आपके। परांदी भी डाली थी अमीना ने, मजे की बात बताऊं, अमीना ने परांदी भी डाली थी, छोटे छोटे बाल है। परांदी अम्मी को बोला परांदी डालो, अम्मी परांदी बढ़ाई तो वो गिर गई, दो मिनट में गिर गई। परी को देखो, इसलिए अम्मी का इंतजार, अम्मी आ जा बैठे, अम्मी आ जा बैठे, देखो अम्मी को बुला रही थी परी। जोड़ी जो हाँ बोली अम्मी आएगी इधर बैठेगी, फिर मैं उसकी गोद में बैठेगी। गुस्सा भी बैठी है, गुस्सा भी बैठी है, गुस्से में भी क्यूट लगती है ये, वैसे क्यूट लगती है, गुस्से में फिर क्यूट लगती है। देखो 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 देखो, गुस्सा देखो, गुस्सा गुस्सा देखो, गुस्सा करिए, गुस्सा करिए, गुस्सा। आप गुस्सा करती हो, कैसे करती हो? तू सब गुस्सा करो, क्यों कर लो, कैसे गुस्सा करती हो? आता है गुस्सा करना? गुस्सा देखो, गुस्सा की वीडियो देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, तले काटते ये गुस्सा की करी, ये तो हंस रही है। चलो अमीना अब नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं, ठीक है? आंटी के साथ रोटी करनी है, अंडे के साथ रोटी खानी है। हाँ। चले जी अंडे बनाते हैं, ये देखे माशाल्लाह से अम्मी अंडे ले आई है, तो इंशाल्लाह अंडे भी बनाते हैं, सही हो गया? चले जी अभी बनाते हैं नाश्ता, सबसे दुआ सलाम हो गई और नाश्ता बना लूं, उसके बाद अबू जान से भी मिलेंगे, मिलवाएंगे बहन भाइयों को, रहना है बिल्कुल साथ। ये जवेरिया क्या कर रही है, ये क्या कर रही हो जवेरिया? प्याज को छील रही हूं। ये इनकी कटाई कर रही हो? हां जी। अच्छा इनका क्या करना है फिर? वो अंडे में डालने हैं। अंडे बनाने हैं जी। अच्छा फिर ये भी ले आई हो ऊपर से जी। और इसमें क्या करने वाली हो? इसमें ये प्याज और ये टमाटर ये सारा कुछ ग्राइंड करूंगी। अच्छा वाह क्या बात है जी जवेरिया की, तो आपने तो मुझे बताया भी नहीं, मैं तो ऐसे अंडे बना लेती, लेकिन आपने तो और प्रोग्राम बनाया हुआ है, कहाँ से सीखती हो? हाँ मैं सीखती हूँ। कहाँ से सीखती हो? यहीं पे घर पे। घर पे मम्मी से सीखती हो? हाँ जी जवेरिया की काम देखें, मैं तो ऐसे अंडे बना लेती हूँ, आज वो जो है ना प्याज ग्राइंडर कर रही है, टमाटर ग्राइंडर कर रही है, धनिया वगैरह हरी मिर्चे सब, कहती है अम्मी आज ना और तरीके से अंडा बनाओ, ये देखो ये मेरे को सिखा रही है माशाल्लाह। नजर ना लगे, ये ना अपनी अम्मी को सिखा रही है। मैं अम्मी को मैं सिखा रही हूँ, अम्मी को नहीं पता ना, मैं आपको सिखा रही हूँ। चले सही हो गया, देखते हैं अभी ये कर ले, फिर देखते हैं कैसे जो है ना ये ग्राइंडर करती है, कैसे बनाती है। ज्यादा डालो बेटा, ज्यादा ज्यादा डालो तो जल्दी हो जाएगा। इधर देखें जी मेरी क्यूट सी बेबी जो है ना, ये काम में लगी हुई है, आज संडे है स्कूल नहीं जाना, तो ये अम्मी के साथ काम करवा रही है। ये देखो ये ग्राइंड कर रही है प्याज को, ये देखो, और वो दिखाओ कैसे किया हुआ है, क्या वो दिखाओ जो प्याज बनाए हैं। हाँ प्याज टमाटर बनाए हैं, अब इसमें ग्राइंडर हो रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ जी ये देखो, ये आप लोग पढ़ रही हो? कमरी बैठी है। हाँ इसको ठंड लगी हुई है, टोपी पहन लो बेटा, थोड़े से रहते हैं, ये देखिए ऐसे होते हैं। हाँ ऐसे, हाँ ये देखो जी ये प्याज ग्राइंडर हो गए इसके।
सही सही। अब टमाटर हो रहे हैं जी, प्याज हो गया, अब टमाटर डाल दिए। और ऐसा करना, ये जो धनिया पड़ा है ना, धनिया हरी मिर्च, इनको ना धुलाई कर देना, फिर उनको जो है ना फिर इसमें ग्राइंडर करना, ठीक है ना। धनिया को काट लेना, काट के ना फिर इसमें डालना, ठीक है। हाँ सही हो गया जी। ये देखें जवेरिया ने क्या माल बनाया है, सब ग्राइंडर कर दिया है, सब धनिया प्याज टमाटर और हरी मिर्चें सब ग्राइंड कर दी है। अब मैं जो है ना बनाने जा रही हूँ, और अभी जो है ना इसमें से भी निकाल लें। तो फिर बेटा उधर से छुरी ये है, मैं इसको निकाल लूँ, फिर बनाते हैं। आज जबरदस्त अंडा बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, सही है ना। वाओ, पीछे वाली शिवा भी खुश हो रही है। आज जवेरिया बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, मैं बहुत मेरे को खुशी हो रही है कि मेरे साथ जो है ना ये इस तरह काम कराती है। नहीं ये हो गया, अभी इसको डालती हूँ इसके अंदर। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे प्यारे बनाए हैं। अभी मैं ये अंडे खोल लूँ, इसमें मिक्स कर लो। वो कहाँ है, इधर है, इसको अभी इसमें रख दो। फिर चले अभी मैं इसको मिक्स कर दूँ, फिर दिखाते हैं। अभी जो है ना मैंने अंडे जो है ना फोड़ के इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर रही हूँ, लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि इसमें जो है ना हरी मिर्चें डाली हैं। आज देखते हैं आज हमारा ऑमलेट जो है ना वो कैसा बनता है। मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो इस तरह मिसाले के साथ बना रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, इसलिए आज हम भी वही तरीका कर रहे हैं। देखते हैं कैसा बनता है, अगर अच्छा बनता है तो फिर ऐसे बनाएंगे, और लगता है अच्छा तो बनेगा माशाल्लाह प्याज के साथ। चलें ये मिक्स हो गया है, ये देखें हमारा ये बन गया है। अभी जो है ना इसमें बनाना करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा जो है ना वो कहाँ है, बड़ा सा इधर चमचा था, हाँ ये वाला, हाँ इसके साथ जो है ना थोड़ा सा घी इधर लगा दें पहले तवे पे, फिर इसको पलटेंगे इसके ऊपर। हाँ मेरी एक सिस्टर है हैदराबाद से, हैदराबाद से मेरी सिस्टर है, मेरी वीडियो देखती है माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी है। और उन्होंने बोला जो ये पलटा भी कहते हैं कुछ और भी कहते हैं, लेकिन हम उसको सरेकी में कहते हैं, उन्होंने पिक्चर भेजी थी, हम उसको सरेकी में कहते हैं खुरपी, खुरपी, हाँ वो खुरपी है। वो उन्होंने बोला वो खरीद लो, उसके साथ ये जो है ना ऑमलेट आपका आसानी से जो है ना वो पलटेगा, तो इंशाल्लाह वो भी खरीदेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, और इस तरह हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से पहला मैंने जो है ना डाल दिया है, देखिए याद भी आ गया है। हाँ आज ना ये सब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्मी जो है ना आज क्या बना रही है, किस तरह बना रही है। मेरे को लगता है माशाल्लाह मेरी बेटी ने जो काम किया है ना आज, तो मेरे को लगता है आज ऑमलेट जो है ना बहुत जबरदस्त बनेगा। बहन भाइयों के भी, हाँ जी बेटा, हाँ परी भी आ गई है, बहन भाइयों को जो है ना बहुत पसंद आएगा और बहुत खुश होंगे। जो चीज हम आज बना रहे हैं माशाल्लाह से, वो सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह, ऐसे ना जी। हाँ ये मेरे से भी ज्यादा तेज है मेरी बेटी, ये भी कुछ ना कुछ सोचती रहती है, बनाती रहती है। चले अम्मी कुछ बना लूं फिर दिखाएंगे।
अम्मी ने जो है ना एक बना लिया है और एक बना रही है, बहुत जबरदस्त बना है, मुंह में भी पानी आ रहा है और बाकी जो है ना अम्मी बना रही है। हाँ ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, मुंह में पानी आ रहा है। वाओ, हाँ देख के भी लग रहा है कि बहुत अच्छे बने हैं, ऐसे ना? हाँ, वो जब दूसरे अकेले बनाते हैं ना उससे भी जबरदस्त लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब खाएंगे और फिर देखेंगे, अगर ये अच्छे लगते हैं तो फिर हर रोज यही बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अभी ये कितने हैं देख लो, कितने बने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो 5 है, फिर ये एक एक तो नहीं आएगा, मतलब के 5 है। हाँ जी। नहीं, एक एक पूरा नहीं आएगा, वो मैंने जो है ना वो मतलब के बड़े बड़े बनाए हैं, ये पूरा पूरा आप लोग से खाया भी नहीं जाएगा। तो ये ऐसे तो नहीं खाना ना, रोटी के साथ खाना है जी। तो पराठे के साथ खाना है, तो मैंने जो है ना ये आधा आधा करेंगे ना सब, फिर हो जाएगा। फिर वो आपके बाबा हर रोज जो मैं बनाती हूँ ना, फिर आपके बाबा के लिए नहीं रखती थी मैं, तो कहती थी कि वो सुबह सुबह नहीं खाते, वो चाय पीते हैं, तो फिर वो बोल रहे थे कि मेरे लिए भी रखा करो आप जो है ना आमलेट बनाती हो और मेरे लिए भी नहीं रखती, तो वो भी कह रहे थे मेरे लिए भी रखा करो, ऐसे ना अलिशबा? हाँ जी। अभी अलिशबा पीछे से जोर से आवाज दे रही थी, क्या बोल रही थी? वो बाबे के लिए लखा, मम्मी बाबे के लिए लखा। आपके बाबा के लिए भी रखा करूं? हाँ जी। हाँ, इसकी बात समझ आ गई होगी या नहीं आई हुई, ये बोल रही है कि मेरे बाबे के लिए भी रखा करो, मम्मी मम्मी मेरे बाबे के लिए भी रखा करो। चले जी, माशाल्लाह से ये हमने बना लिया है, अभी देते हैं सबको सरप्राइज। माशाल्लाह से ये देखें, वाह कैसे लग रहे हैं बेटा? बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए अब देते हैं सरप्राइज सबको, क्योंकि किसी को नहीं पता, हम दोनों इधर अलिशबा ज्वेरिया और मैं बना रहे थे, अभी जो है ना सबको देते हैं सरप्राइज। अम्मी शूज उतार दो। हाँ क्या कहती हो? आपके लिए सरप्राइज है। बैठो आपको सरप्राइज दूं। प्यारे लगते हैं, मैं नहीं रहूंगी, बैठो। शाबाश, हाँ बैठ जाओ। हाँ अम्मी भी बैठ गई। अब देते हैं सरप्राइज, ये ले अम्मी जान। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। कहूँ तो बड़ा अच्छा था, पता है। अब खाएं और बताएं। ये देखिए, हाँ हमने जो है ना आज और तरीके से बनाया है, इसमें सब जो है ना मिसाले हैं, सब्ज धनिया है, टमाटर है, प्याज है, सब कुछ है इसमें, बहुत जबरदस्त बने हैं। आप लोग खाएं और बताएं, हमारी जो हमने जो कब से जवेरिया ने और मैंने मेहनत की है ना, हमारी मेहनत अच्छी है कि नहीं है? ये रोटियां हो गई और मैं इनको जो है ना साइड पे कर लेती हूँ, फिर जो है ना हम देंगे रोटी। सब जो है आ चुके हैं, सब आ चुके हैं, अब सब खाएंगे। हाँ अम्मी सबको दें, और ये जो एमलेट है ना ये आधा आधा देना। हाँ ये पूरा खाया भी नहीं जाएगा, दूसरा जो है ना ये 5 है, आधा आधा दोगी तो फिर ये पूरे हो जाएंगे, सही हो गया? हाँ अब अमीना की बारी। अमीना आपकी फरमाइश पूरी हो गई। हाँ जी। हाँ देखो अंडे के पराठे बन गए। हाँ जी। हाँ जी, आप खुश हो? खैर वो अरी, तो अरी, अरी। हाँ। चलो ये वाला रख दो, ये वाला परी को या लिशबा को दे देना।
तो अभी जा रहे हैं अबू जान से हाल वाल भी लेती हूँ और उसको जो है ना नाश्ता भी देते हैं। मैं अबू जान को बोल दूँ कि टीवी की आवाज़ जो है ना वो कम करें। अबू जान टीवी की आवाज़ बंद करना। अभी जो है अबू जान को देते हैं नाश्ता और उनसे हाल हवाल भी लेते हैं, बहन भाइयों से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, तबीयत का सुनाए? तबीयत से ठीक है। अम्मी तो कह रही थी कि आप जो है ना वो मैं चले, आप सीधे हो जाएं और नाश्ता करें। मुँह गंदा हो जाए, हाथ मुँह, मैं पानी ले आती हूँ, आप इधर कर ले, ठीक है? ये आपका नाश्ता और अभी जो है ना मैं पानी ले आती हूँ, अबू जान मुँह हाथ धोएंगे। पानी में ले आई हूँ और अबू जान का मुँह हाथ धुलाते हैं। मैंने बोला अबू जान बाहर नहीं जाए, आप इधर मुँह हाथ धो लें। चले अबू जान, मैं पानी डालती हूँ, आप मुँह हाथ धो लें या धुला दूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे अबू जान भी बहुत बीमार हुए थे, मेरे अपने अबू जान, ये भी अबू जान है, वो भी अबू जान है, मेरे पास तो दो अबू जान है, लेकिन उनकी काफी तबीयत खराब हुई थी तो वो हाथ मुंह भी नहीं धो सकते थे, तो हमने खुद अबू जान के हाथ मुंह धुलाए, फिर वो दवाई ले गए। बस मैं गया, हो गया हाथ मुंह धुलाई, हो गया। हाँ जी अबू, इसके साथ ना साफ कर ले। परी भी आई हुई है, अबू जान को देख रही है। परी दुआ करो अबू जान ठीक हो जाए। दुआ करोगी? कैसे करोगी? कैसे ये क्या बताओ, कैसे ऐसे? अबू नाश्ता कर लो, दवाई खा लो, आज जो है ना आज आपको ले जाएंगे कोई अच्छे से डॉक्टर के पास, फिर आपकी वो क्या होता है छाती का एक्सरे करवाएंगे, उसके बाद फिर दवाई लेंगे, ठीक है? हाँ ऐसे नहीं आराम आ रहा ना, टेस्ट होंगे फिर दवाई लेंगे। पूरी रात अबू जान नहीं सोए, देखे अबू जान की हालत, किसे भी लग रहा है कि अबू जान पूरी रात नहीं सोए। पूछा था, कह रहे थे पूरी रात नींद नहीं आई, कहा आज जो है टेस्ट वगैरह कराते हैं, ऐसे दवाइयाँ तो काफी सारी इस्तेमाल कर ली है, फर्क नहीं पड़ रहा, तो टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि क्या मसला है, फिर उसका इलाज होगा तो सही। आज चलते हैं फिर हॉस्पिटल। आ जाए, अबू जान को नाश्ता दे दिया है और जो वो खा रहे हैं उनसे भी पूछते हैं कि उनको जो है ना ऑमलेट कैसा लगा। आ जाओ, वो सब खा रहे हैं उनसे पूछ लो ना कैसा लगा। भाई देखे मैंने जो है ना, आप भी टेस्ट कर ले, बहुत मजेदार का बनाया है मैंने, ऑमलेट बनाया है। मैं अभी खा के आया हूँ, फुल हो गया यहाँ के, थोड़ी सी भी वैसे खाली दे दें थोड़ा सा, कह रहे हैं तो सिर्फ ऑमलेट उठा दें थोड़ा सा बस, वैसे टेस्ट करता हूँ। अमीना आप बताओ कैसा है? मजेदार का। अयान कैसा है? मजेदार। अनिशा कैसा है? बहुत अच्छा। मुझे तो इसमें नमक बहुत ज्यादा लग रहा है। नमक ज्यादा लग रहा है, रोटी के साथ? रोटी के साथ खा रहे हैं ना आप, वैसे ज्यादा कुछ लगता है। सही सही। परी ने नहीं खाया? नहीं। चलें जी अभी करते हैं नाश्ता, अभी करते हैं नाश्ता। जिस बहन भाई ने करना हो हमारे साथ आ सकता है, और ये भी जरूर बताना है जो मैंने ऑमलेट बनाया है वो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके बारे में भी जरूर बताना है। ओके अभी करते हैं नाश्ता, उसके बाद भैया जो रूटीन होगी इंशाल्लाह बहन भाइयों से करेंगे, शेयर रहना है बिल्कुल साथ। यहाँ पे जो है अम्मी जान किचन की सफाई कर रही है। हाँ जी किचन की सफाई कर रही हूँ आज, माशाल्लाह आप लोग घर हो ना तो मुश्किल होता था ना मेरे को कैमरा पकड़ना, काम करना, इसलिए जो है ना आज मेरी बेटी मेरे साथ वीडियो बनवा रही है। अभी जो है ना सब सफाइयों का काम शुरू है, जैसे कि बहन भाइयों ने देखा हमने नाश्ता वगैरह बनाया, बहुत ज़बरदस्त बनाया और खाया, खा पी के ना सब देखे बर्तन
पहले किचन भरा पड़ा था, अब सब जो ना साइड पे कर दिया है, अभी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी करते हैं सफाइयाँ, उसके बाद फिर ये मैंने बच्चों का दूध भी गर्म करके रख दिया है। अभी चलते हैं आगे, जो भी रूटीन है सब बहन भाइयों से करते हैं शेयर। अभी जो है चलते हैं अम्मी के पास। यहाँ पे अम्मी जो है फ्रिज की सेटिंग कर रही है। कल इसकी धुलाई की थी तो फिर जो है ना आज इसका मैंने बोला इसकी सेटिंग कर दूँ, क्योंकि इसको चलाएंगे फिर, और जो चीज़ होती है ना रखने वाली जो ख़राब ना हो जाए, वो रखेंगे ना तो इसको आज चला देंगे, ये ठंडा ठंडा हो जाएगी, तो फिर इसमें जो है ना वो चीज़ें रखेंगे, जैसे कि आटा पड़ा होता है और बाकी भी और चीज़ें होती हैं वो सब रखेंगे इसमें। सही है ना? हाँ जी। कैसे इसको सफाई की थी और अभी इसकी कर रही हूँ सेटिंग। अभी जो है अम्मी आ चुकी है कमरे में और कमरे की सेटिंग कर रही है। हाँ जी, अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, पहुँच गई हूँ बच्चों के कमरे में, और सब जो है ना इंशाल्लाह कैसे सामान क्लोज होता है ये सब, पहले तो सब जो है ना ऐसे बिखरा पड़ा होता है, तो सब सेटिंग करते हैं। तो फिर जाके ये हो गया बिस्तरे, और नीचा इधर कर देनी है इस तरह, और ये को जो है ना इधर रख देना है। ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया, ये जर्सियों की है बच्चों के, और उसके बाद हाँ ये पड़ा है जो मैं ढूंढ रही थी ना, ये पड़ा है ये वाला। तो मैं उसके बाद जो है ना ये जो है ना ये ऊपर रख देती हूँ, जब जरूरत पड़ते हैं तो फिर इधर से उठा लूंगी, तो अभी जो है ना इनको ऊपर रख देती हूँ। और ये भी हो गई, बच्चियां भी रो रही हैं, पता नहीं उनको क्या है। मैं बैठक में आ गई हूँ और इधर से जो है ना ये कैलिन साफ कर रही हूँ इसको, हम तो कैलिन कहते हैं वैसे तो इसको जो है ना, ड्रैग रूम और कारपेट बोलते हैं कैलिन को। ये जो है ना मैंने सब कचरा का क्लोज कर लिया है, ये देखें, क्योंकि पहले जो है ना कमरों की सफाई होती है, सब कमरों के ऊपर की सफाई करके ना फिर जाके झाड़ू लगता है आखिर में जो झाड़ू लगाती हूँ ना, फिर एक साथ सब साफ हो जाती, सफाई हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं ये कर लूँ, फिर अपने बेडरूम में भी जाना है, उधर भी करनी है सफाई। अभी मैं अपने बेडरूम में पहुँच गई हूँ, और हर रोज़ की रोज़ जो है ना कपड़ा लगाती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना हो, तो सब अच्छे से सफाई, अगर कुछ दिन ना करें तो फिर जो है ना ज़्यादा मसला बन जाता है। यही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बस जल्दी सफाई भी जल्दी हो जाती है, इसलिए हर रोज़ लगाती हूँ। और ये कपड़े रखे हैं इस्त्री करने के लिए जो हमने रात उठाए हुए थे, मैं रात इसको ताहे लगा रही थी ना, ये वो वाले हैं, इनको जो है ना अभी ये सब काम कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद ये कपड़े इस्त्री भी करने हैं, इनको इस्त्री करूँगी।
यहाँ पे जो है अम्मी जो है कमरे में आ चुकी है और यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। हाँ अम्मी अबू के कमरे में आई हूँ और इधर की जो है ना ये सफाई कर रही हूँ। सब कमरों की दिखाई है तो मैंने सोचा अम्मी अबू के कमरे को भी दिखा दूँ और अबू जान को देखें। मैं जब से अबू जान बीमार हुए है ना तो मैं जो है ना आती हूँ अबू को देखती हूँ ना तो फिर चली जाती हूँ। ये खांसी की वजह से अबू को इतना जो है ना तकलीफ होती है तो फिर देख ही नहीं जाती। ऐसे ना अबू जान, पता नहीं अबू जान कैसे है जो है ना। अबू जान टेंशन नहीं ले, बस आज जो है ना आपको गाड़ी पे लेके जाते हैं, आपकी अच्छे से डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ठीक है। बस आपने टेंशन नहीं लेनी, हाँ टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। सबने दुआ करनी है अबू जान के लिए कि अबू जान जो बाकी माशाल्लाह हमारे घर में सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। सब बहन भाइयों की दुआ की वजह से मैं भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और जिस तरह मेरे लिए सब ने दुआ की है इसी तरह अबू जान के लिए भी दुआ करें ताकि अबू जान भी हमारे जल्दी से ठीक हो जाए। तो अबू जान सब बहन भाई दुआ करेंगे आपके लिए। हाँ अबू जान को ले दुआ करेंगे सब तो इंशाल्लाह अबू जान ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे जो है अम्मी अभी इधर सफाई कर रही है। माशाल्लाह से सब झाड़ू वगैरह सब सफाइयाँ वगैरह जैसे कि बहन भाइयों ने देखा सब कमरों की सफाई अलग अलग कर दी है और घर का झाड़ू वगैरह भी सब लगा दिया है। अल्लाह का शुक्र है सब काम हो गए। और अमीना क्या हाल है अमीना? माशाल्लाह से अमीना इतना खुश है, कल मैंने मेहंदी लगवाई ना चलो उसका कोई फायदा तो हुआ मेरे को। देखिए आज अमीना ने बोला भाभी आज बर्तन जो है ना मैं धोऊंगी, तो देखो माशाल्लाह बर्तन धो रही है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ सब सफाई कर रही हूँ। अमीना हाँ क्या हाल है? ये देखो मेरे कपड़े क्या हाल कर दिया। कपड़ों का क्या हाल हो गया? क्यों आती है? हाँ तो अभी जो है ना इस बैग को सेट तो करती हूँ क्योंकि इसके नीचे जो है ना ये हो गया है। बैग को खड़ी कर उधर कर देती हूँ आगे से, फिर इधर से आसानी से झाड़ू लगाऊंगी। वो हो गई, अभी इधर से करते हैं अच्छे से सफाई। और परी और अलिशबा को भी वो सब सूख रहे हैं और पता नहीं टाइम कितना हो गया है। और जो है ना हाँ अमीना जी, और अमीना जी रात आपने अपने भाई को नाराज कर दिया था, वो आप चला गया है नहीं अहमदीन के पास नहीं गया, वो ना आपसे नाराज होके चला गया, फिर आपने उसको मनाया भी नहीं। अपने भाई को मनाओगी? हाँ जी। हाँ कहाँ उसको ढूंढोगी? रोटी मैं खिलाती हूँ। अच्छा मेरा कहती है भाई को रोटी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। चले जी अभी हाँ अभी जो है ना अमीना अच्छे से बर्तन धोना ठीक है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ जी आज मुझे क्या आज भाभी नाराजी? नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हूँ बिल्कुल, किसी पे भी नाराज नहीं हूँ। आप जल्दी से बर्तन धो और जो है ना मैं आगे चलती हूँ। जवेरिया ने 10 रुपए लिए हैं और मेरी वीडियो बनाई है ऐसे ना जी। आप 10 रुपए हो आपको हाँ जी हाँ
हाँ जी, वे अल्लाह अब देखो इसको। बहन भाई बोल रहे होंगे कि जवेरिया जो है ना माशाल्लाह आज काम करवा रही है। आपको क्या चाहिए? पैसे। आपको क्या चाहिए? पैसे। ये जो आप दोनों ने फीडर उठाए हुए हैं ना, आप दोनों ये पियो, ठीक है? नहीं पैसे चाहिए। अभी अभी तो आप लोग गए थे चीज लेने के लिए। हाँ कोका लगाया हुआ है। हुई हुई, परी ने कोका लगाया हुआ है। चलो मुझे दो। ये लो। एक दो है। दो नहीं है, एक है, 100 का है। मुझे दो। वो उसमें 10 रुपए आपके, 10 परी के और 10 इसको देना जिन्होंने वीडियो बनाई है और 10 रुपए लिए हैं। ऐसे हाँ। तो टाइम का मैं बता रही थी, ये देखिए हमारी जो है ना घड़ी लगता है खराब हो गई है। हाँ ये खराब हो गई, नहीं खराब नहीं हुई, इसका सेल खत्म हो गया है। हाँ इसका जो है ना सेल खत्म हो गया है, इसलिए ये रुक गई है। और न्यू से ले आएंगे, इसमें डालेंगे तो फिर ये जो है ना फिर चलने सही हो जाएगी। फाइनली जो है माशाल्लाह से मैंने सब काम कंप्लीट कर दिए हैं और मैंने जो है ना अल्ताफ सन को जगाया है पहले और उसको बोला है कि आज जो है ना आप काम की छुट्टी कर लो। और अबू जान की तबीयत जो है काफ़ी जो है ना सीरियस है, नाजुक है, तो जो है ना जैसे कि बहन भाइयों को मैंने दिखाया है। और अभी जो है ना काम तो होते रहते हैं, सबसे पहले होते हैं माँ बाप की खिदमत करना, उनके जो है ना जब इस तकलीफ़ में होते हैं तो उसके जो है ना सबसे पहले उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद वो जैसे कि घर में उसको तकलीफ़ है वो इतनी, तो हमें भी सुकून नहीं आता, हम भी दिन रात परेशान होते हैं अबू जान के लिए, सब ने दुआ भी करनी है। और मैंने उसको बोला अल्ताफ सन को कि आप जो है ना आज छुट्टी कर लें तो आप अबू जान को ले जाएं, कोई मतलब रेंट पे कोई गाड़ी ले आएगा, और क्योंकि बाइक पे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अबू जान अब चल भी नहीं सकते, तो कोई गाड़ी ले आएगा तो फिर उसको अबू जान को ले जाएंगे हॉस्पिटल, फिर उसको जो अबू जान के टेस्ट होंगे, एक्सरा वगैरह करवाएंगे और उसके बाद फिर अबू जान की दवाई लेंगे। तो इसलिए मैंने उसको जगाया है कि आप जो है ना आज काम पे नहीं जाओ। तो उन्होंने बोला अभी जो है ना अस्पताल बंद होंगे, तो क्योंकि अभी तो 9:30 का टाइम है, तो 10-11 बजे अस्पताल खुलती हैं, अस्पताल खुल जाएं तो फिर इंशाल्लाह अबू जान को ले जाता हूँ। तो इंशाल्लाह जब ले जाएंगे वो भी बहन भाइयों से शेयर करेंगे। अभी मेरी वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो चुकी है, अभी मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ। और एक मेरी सिस्टर है, बहुत ही मतलब सब जो है मतलब के सब देखने वाले बहन भाई मेरे लिए बहुत जो है ना अहम है, मैं बहुत जो है ना सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबके लिए दुआएं भी करती हूँ, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और बाकी जो है ना मेरी एक सिस्टर ने जो है ना उन्होंने एक नात की फरमाइश की है, उन्होंने बोला है मुझे ना नात सुनाओ, जो नात उन्होंने बोली है फरमाइश की है वो नात उसको सुना रही हूँ। तो सिस्टर जी अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, ये वीडियो ज़रूर आपने देखनी है, आपकी फरमाइश की नात है, तो आप ये नात ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जो है ना सिस्टर की फरमाइश की पढ़ती हूँ मैं नात। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूले दीवियों से। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूले दीवियों से। हलीमा झूले दी वियों से।
जगत जे सोना कदी नाल तेरे नजाकत जे सोना और उस दावी हो सी मने दीवी हो से कदी नाल तेरे नजाकत जे सोना और उस दावी हो सी मने दीवी हो से हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दीवी हो से कदी नाल तेरे नजाकत जे सोना और उस दावी हो सी मने दीवी हो से हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके तू मदनी दा झूला झूले दीवियों से मोहब्बत दे विच आके उसे दी खातिर मोहब्बत दे विच आके उसे दी खातिर लबां विच लबां को मिले दीवी हो से मोहब्बत दे विच आके से दी खातिर लबां विच लबां को मिले दीवी हो से हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके तू मदनी नवा के सजा के ते कजला विपा के तू ठूनी हिला के हसे दीवी हो से हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूले दीवी हो से माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह मैंने अपनी सिस्टर की फरमाइश की नाज सुना दिया है और ये आप लोगों की कैसी लगी जरूर बताना है और मेरी वीडियो जो है ना ये बहुत लंबी हो चुकी है और मैं लेती हूँ इजाजत मिलूंगी शाम वाले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।